Hello everyone. In previous video we have discussed about skeletal muscle structure and types of muscle. Now we will be talking about the structure of sarcomere and contractile protein. ठीक है, सार्कोमियर क्या था? सार्कोमियर इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सेल. इट इज मेड अप ऑफ टू बैंड्स, आई बैंड एंड ए बैंड. आई बैंड इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक बैंड. ए स्टैंड्स फॉर एनाइसोट्रॉपिक बैंड. आई बैंड इज मेड अप ऑफ एक्टिन फिलामेंट. ए बैंड इज मेड अप ऑफ मायोसिन फिलामेंट. वॉट इज सार्कोमियर? देखिए, सार्कोमियर क्या था? ये जो मसल फाइबर में आपने मायोफाइब्रिल देखे थे, उसमें एक पार्ट जो है उसे कंसिडर किया है सार्कोमियर. एक्टिन इज लाइट इन कलर, सो इट इज लाइट बैंड. वेयर एज ए बैंड इज डार्क बैंड. एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट फॉर्म इन अल्टरनेटिव वे. सपोज दिस इज एक्टिन फिलामेंट. नाउ वी विल ड्रॉ हेयर मायोसिन फिलामेंट. मायोसिन इज डार्क एंड थिक फिलामेंट. This blue band considered as myosin filament, and here again thin filament. Thin is actin filament, and again after actin filament myosin filament found again. तो इस तरह से ये सार्कोमियर की सार्कोमियर किस में प्रेजेंट है? ये मसल फाइबर में. ये मैंने मसल फाइबर ड्रॉ किया है जिसमें क्या प्रेजेंट है? सार्कोमियर. अब हम सार्कोमियर देखेंगे क्या होता है. सार्कोमियर एंड अगेन एक्टिन फिलामेंट. तो अब यहाँ देख रहे हैं कि अल्टरनेट ये जो है थिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, देन मायोसिन फिलामेंट, अगेन एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट. तो मसल फाइबर में एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ऐसे अल्टरनेटिव होते हैं. ये तो लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है. इस बैंड को क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपिक. तो यहाँ पे लिख दिया आई बैंड. जितने भी ये जो एक्टिन फिलामेंट वाले जोन है उसे कर दिया आई बैंड, और जो मायोसिन फिलामेंट है उसे क्या कंसिडर किया? ए बैंड. अब यहाँ हम देखेंगे कि जो आई जो बैंड है यानी एक्टिन फिलामेंट है, वहाँ पर एक फिलामेंट इसे और होल्ड करता है. दिस इज कॉल्ड जेड लाइन. और यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि ओवरलैपिंग हो रही है. ये रेस्टिंग स्टेज में, अभी मसल में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, ये रेस्टिंग स्टेज में है. इसमें देखेंगे कि कुछ पार्ट जो है, सम पार्ट ऑफ मायोसिन फिलामेंट आर ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट. ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ओवरलैप हो रही है. तो ये जो नॉन ओवरलैप्ड एरिया है यानी ये वाला पार्ट मायोसिन का, दिस जो ये पार्ट है ये किसी से भी ओवरलैप नहीं हो रहा है, इसे कहेंगे जेड जोन, सॉरी एच जोन. क्या कहेंगे इसे? जो ओवरलैप नहीं होता है, एच जोन. सिर्फ इतना, नॉन ओवरलैप्ड एरिया. अब सार्कोमियर क्या है? देखिए, सार्कोमियर है टू जेड लाइन के बिटवीन जो एरिया है, टू जेड लाइन के बिटवीन जो एरिया है दैट इज कॉल्ड सार्कोमियर. तो हम ये कह सकते हैं कि हाफ आई बैंड, हाफ आई बैंड. तो कितने हो गए? हाफ आई बैंड. कितने हैं आई बैंड? टू. टू हाफ आई बैंड प्लस वन ए बैंड इज कॉल्ड सार्कोमियर. तो यहाँ पर ये तो है मसल फाइबर, और मसल फाइबर में भी सार्कोमियर. यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या हो गया? सार्कोमियर. तो
तब हमें देखेंगे कि ये जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये सार्कोमियर जो है इसकी जो मैकेनिज्म तो देखेंगे। उससे पहले हम ये मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये प्रोटीन जो है ये किस टाइप के प्रोटीन है और इनके स्ट्रक्चर क्या है। तो नेक्स्ट है टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, फर्स्ट वन इज एक्टिन एंड अदर इज मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट या मायोसिन प्रोटीन। अब हम देखेंगे कि जो एक्टिन है, एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन प्रोटीन जो है इसकी स्ट्रक्चर क्या है। एक्टिन फिलामेंट देखिए, फर्स्ट इज इट इज़ मेड अप ऑफ टू फिलामेंट्स। अभी हम जो पढ़ रहे हैं सार्कोमियर में कि एक्टिन फिलामेंट है, एक्चुअल में ये क्या होते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ टू फिलामेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड एफ एक्टिन। टू फिलामेंट्स इस तरह से, सपोज ये कोई फिलामेंट है, ये वन फिलामेंट एंड दिस इज ये टू फिलामेंट्स हैं जो इस तरह से बाइंड हो गए हैं, वन एंड दिस वन। तो इसे नेम क्या दे दिया, एफ एक्टिन। वन फिलामेंट को क्या नेम दिया, एफ एक्टिन। और एक्टिन में ये कितने फिलामेंट्स हैं, टू। देखिए एफ मीन्स हो गया ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर में है एंड एक्टिन दिस इज पार्ट ऑफ एक्टिन, सो इट इज कॉल्ड एज एफ एक्टिन। ये टू फिलामेंट है, यहाँ से आप अगर देखिए वन एंड टू। अब ये एफ एक्टिन जो होते हैं एक्चुअल में ये भी क्या है, एफ एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन, यानी ये भी क्या हुए हैं, एक और प्रोटीन से बने हुए हैं इस फिलामेंट पे इस तरह से। और जो ये वन यूनिट है दैट इज कॉल्ड जी एक्टिन। ये जो मैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना रही हूँ ये क्या है, जी एक्टिन। तो ये जो जी एक्टिन है ये मिलके क्या बना रहे हैं, एफ एक्टिन, और एफ एक्टिन के टू फिलामेंट्स क्या बना रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, इस पूरे फिलामेंट को तो क्या कहेंगे, एफ एक्टिन। और इस एफ एक्टिन में जो यूनिट दिख रही है आपको, ये सर्कल जो है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड जी एक्टिन। सो हम कहेंगे कि एफ एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन। अब देखते हैं कि इसमें एक और चीज होती है, नेक्स्ट लाइन इज ट्रोपोमायोसिन टॉवर्ड द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। कि इसमें क्या होता है कि एक और फिलामेंट आया है जिसका नेम क्या है, ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन क्या कर रहा है, इसको रेड कलर से बना देती हूँ। ट्रोपोमायोसिन रन्स अलॉन्ग विद द एक्टिन फिलामेंट, ये जो है एफ एक्टिन, और इस तरह से ये क्या करता है, ये जो एक्टिव साइट्स है, ये जो रेड कलर में है ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन मायोस जो एक्टिन फिलामेंट है उसके एक्टिव साइट्स को कवर करता है। ये रेड जो फिलामेंट है ये क्या है, एक्टिव ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट। अब एक और देखिए नेम, ट्रोपोनिन प्रोटीन। देखिए क्या क्या हमने देखा इसमें, फर्स्ट तो हमने देखा ये जो एक्टिन में भी फोर है, एक तो है एफ एक्टिन, एफ एक्टिन किसका बना हुआ है, जी एक्टिन, जी एफ एक्टिन के भी ऊपर एक और प्रोटीन है जिसका नेम क्या है, ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन से भी एक प्रोटीन और अटैच है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोनिन। क्या नेम है उसका, ट्रोपोनिन। तो वो ट्रोपोनिन कौन सी है, देखिए इससे कौन सी ट्रोपोनिन प्रोटीन इज अटैच विद ट्रोपोमायोसिन। तो आप ये जो रेड कलर फिलामेंट देख रहे हैं इसी से आपको प्रोटीन अटैच करनी है, ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन की थ्री यूनिट्स, ट्रोपोनिन की थ्री यूनिट्स हैं इस तरह से। अभी थ्री यूनिट्स देख रही हो, टू तो मैंने इस तरह से साथ में बनाई है और वन उसके अबव, इसे क्या बोला है, ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन प्रोटीन इज अटैच विद ट्रोपोमायोसिन।
लेकिन ये पूरा जो ट्रॉपी नहीं है इसमें भी आप क्या देख रहे हैं, 3 सब यूनिट्स है, एक को बोलते हैं आई, एक को टी, एक को सी, ठीक है, आई टी सी। देखिए आई मीन्स क्या होता है, इनहिबिटरी, आई मीन्स इनहिबिटरी, ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, अभी इसने कवर किया हुआ है ट्रोपोनिन साइट को। ये कौन सी है, टी कौन सा है, ट्रोपोनिन का वो पार्ट जो ट्रोपोमायोसिन से अटैच होता है, तो टी मीन्स ट्रोपोमायोसिन एंड सी स्टैंड्स फॉर कैल्शियम साइट। देखिए कैल्शियम साइट जो है ये कवर किससे, इनहिबिटरी साइट से, तो जब तक इनहिबिटरी साइट ऊपर है तब तक इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, जैसे ही इनहिबिटरी साइट रिमूव हो जाएगी तो कैल्शियम साइट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, और कैल्शियम साइट किससे अटैच हो जाएगी, मायोसिन फिलामेंट से, और मायोसिन फिलामेंट से अटैच होते ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। तो जब रेस्टिंग स्टेज होती है तो ये आई साइट यानी इनहिबिटरी साइट ये इस तरह से प्रेजेंट होती है, और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये आई साइट क्या होती है, ये आई जो इनहिबिटरी साइट है ये एब्सेंट होती है, एंड कैल्शियम साइट जो है सी साइट दैट इज ओपन फॉर मायोसिन बाइंडिंग। क्लियर, इसका एक जो क्लियर डायग्राम हम यहाँ देख लेते हैं, ये क्या था, एक बार फिर देखते हैं कि एक्टिन इज मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एफ एक्टिन। एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ जी एक्टिन, जी एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ एफ एक्टिन। इस तरह से ये टू फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, पूरे फिलामेंट को क्या लिखा है, एफ एक्टिन, और एफ एक्टिन के भी ये जो पॉलीमर है ये यूनिट है दैट इज कॉल्ड जी एक्टिन। अनदर फिलामेंट रन्स अलोंग द एफ एक्टिन दैट इज ट्रोपोमायोसिन। That is tropomyosin. Tropomyosin is attached with troponin protein. And troponin protein has 3 subunits. Clear? Troponin has 3 subunits, I, T and C. I, T and C. I stands for inhibitory, T stands for tropomyosin and C stands for calcium binding site. तो इसे लेबल कर देते हैं, ये फिलामेंट हो गया पूरा एफ एक्टिव, वन इज जी एक्टिव, रेड कलर फिलामेंट इज ट्रोपोमायोसिन, and 3 unit is troponin. Troponin has 3 unit, I, T and C. तो ये किसकी structure है, this is structure of actin filament. Now we will see structure of myosin filament. ठीक है, myosin filament as we know myosin is thick filament. It is made up of meromyosin. यहाँ पर भी ये भी किससे बना होता है, इसके भी यूनिट क्या है, मेरोमायोसिन। ये भी फिलामेंट स्ट्रक्चर है इस तरह से, ये है 1 फिलामेंट और इसी के ही पास में दूसरा फिलामेंट है जो इससे ट्विस्टेड यानी कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये टू जो मैंने ये फिलामेंट्स बनाए हैं, ईच इज मेरोमायोसिन। सो मायोसिन इज मेड अप ऑफ टू मेरोमायोसिन, वन मेरोमायोसिन हैज टेल एंड हेड। And head consists two parts, two sides, ATP side and another one for active binding site. One for ATP binding site and another one for actin binding site. It is thick filament, whereas actin is made up of F actin, they are thin filament. तो यहाँ पर हमने ये दोनों जो contractor protein है उनकी structure पढ़ी। Next video में हम muscle contraction mechanism देखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि ये जो मेरोमायोसिन होता है filament, यहाँ पर एक enzyme present होता है जो ये globular head like structure है, is an active ATPase enzyme. ठीक है, ATPase एंजाइम क्या करेगा, ATP बाइंडिंग को प्रमोट करेगा एंड हैज़ बाइंडिंग साइट फॉर ATP एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। इसमें यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होता है ATPase एंजाइम, क्लियर। तो ये हमने टू स्ट्रक्चर देख लिए। थैंक यू।